नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। ये है पेपर इकोनॉमिक्स का सेट सी। आपने ए और बी पढ़ लिया था, इसके बाद आता है सेट सी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल ग्रीन स्टार को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है इसमें दोस्तों कि यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी। ये इसके ऑप्शन है, ये इंग्लिश के अंदर है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है क्या, इन चारों में से बताना है आपको। नेक्स्ट है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा कितना, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सही समीकरण चुनिए, इनमें से सही समीकरण चुनना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है कौन सा, इनमें से बताना आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MPC बराबर 0.8 है तो गुणक का मूल्य होगा कितना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई। अब सही या गलत बताने हैं आपने। बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। नंबर दो, गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट पेज, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। नेक्स्ट, एकाधिकार से कीमत विभेद संभव होता है। नेक्स्ट, भारत में RBI द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, यस। नेक्स्ट, सीमांत बजट प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग एक होता है। नेक्स्ट है, भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, दो दो नंबर के, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दीजिए, मांग फलक किसे कहते हैं। नेक्स्ट, फर्म के संतुलन की कौन सी शर्तें हैं। नेक्स्ट, हस्तांतरण आय के दो उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट, बैंकों के किन्हीं दो प्राथमिक कार्यों के नाम बताएं। आठवें क्वेश्चन पे जाते हैं, कर की परिभाषा दे। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, चार चार नंबर के, दिए गए आंकड़ों की सहायता से कुल बंदी लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात कीजिए। उत्पादन ये है और कुल लागत ये है। नेक्स्ट है, एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कोई चार अंतर बताइए। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता की चार विशेषता बताएं। नेक्स्ट है बारहवां क्वेश्चन, मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक के किन्हीं चार कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्र निवेश तथा प्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। पंद्रहवां क्वेश्चन है, कर की मुख्य विशेषता लिखिए। सोलहवां क्वेश्चन है, भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर कीजिए। सत्रहवां क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब छः छः नंबर के क्वेश्चन आए, दीर्घकालीन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मांग का नियम क्या है, यह नियम क्यों लागू होता है। अथवा के अंदर है, मांग की कीमत लोच को मापने की आनुपातिक विधि की व्याख्या करें। अठारहवां क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन स्थिति में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि द्वारा व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा के अंदर
रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि में अंतर बताएं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। और अथवा के अंदर है, दोहरी गणना की गलती से क्या अभिप्राय है, इस दोष से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर यहीं ख़त्म होता है। तो मुझे आशा है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में सेट डी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।